नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आज आपको एलोपेशिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एलोपेशिया एक बालों की बीमारी है जिसमें बाल गिरते हैं। ये एलोपेशिया तीन तरह का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एलोपेशिया में बाल जो हैं ये बंचेज में गिरते हैं, गुच्छों में बाल गिरते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से गिर गया, थोड़ा सा इधर से गिरा, थोड़ा सा इधर, मतलब इस तरह से बंचेज में बाल गिरते हैं, जिसको जनरल भाषा में कटुआ भी बोलते हैं। आपने सुना होगा लोगों कहते हुए कटुआ। और ये बाल गिरते हैं, लोग कहते हैं कटुआ लग गया, दाढ़ी में लग गया, मूंछ में लग गया, बाल में लग गया, इस तरह से बोलते हैं। सेकेंड होता है कि जो बाल हैं ये पूरे के पूरे, जो जितनी दूर में बाल आते हैं इसको स्कैल्प बोलते हैं, पूरे के पूरे बाल जो है वो गिरने लगते हैं। ये सेकंड टाइप का होता है वो, जिससे बाद में अल्टीमेटली बाल्डनेस हो जाती है, गंजापन होता है। तीसरे तरह का एलोपेशिया होता है जिसमें होल ऑफ बॉडी के बाल गिरते हैं। बात होती है कि ये होता क्यों है। एलोपेशिया मेनली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। ये कोई कंटाजियस डिजीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक आदमी को हुई उससे दूसरे आदमी को हो जाए। छुआछूत की बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं है, न तो साथ में उठने से, न साथ में बैठने से, न साथ खाने पीने से, किसी तरीके से नहीं होती है। बात ये होती है कि इसके बाद होता है कि एलोपेशिया है, इसके होता क्यों है, छूने से नहीं होता है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बिल्कुल डिजीज़ ठीक हो जाती है। और ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है लेकिन 100% क्यूरेबिलिटी रेट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसकी फर्स्ट मेडिसिन हम आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट मेडिसिन इसमें फास्फोरस देते हैं। फास्फोरस 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स TDS आप लीजिए, चार बूंद सुबह, चार बूंद दोपहर, चार बूंद शाम में आप लीजिए। इसके साथ में R89 रेगबेक का R नंबर का 89 नंबर का कॉम्बिनेशन R89 जरूर लीजिए। इसके 20-20 बूंद पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम लेना है। साथ में एक और करना है आपको लोकल एप्लीकेशन, मतलब होता है कि जो लोकली लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपके बालों में बाल्डनेस है उसमें लगाना है, या जहाँ पे बाल गिर रहे हैं उस पे लगाना है। उसको कैसे लगाना है, इसमें आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं और मिक्स करने हैं। उसको मिक्स कैसे करेंगे, सबसे पहला आप लेंगे जबरंडी, सेकंड कैंथेरी, तीसरा नंबर आता है आर्निका। ये तीनों मदर टिंचर लीजिए, जबरंडी मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर एंड कैंथेरिस मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर लीजिए और इसको प्रॉपर अमाउंट में मिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आपको 30 ml की CC बनानी है मदर टिंचर की, तो 10-10 ml तीनों का मिला लीजिए, 30 ml बनके तैयार हो जाएगा। अब इस मदर टिंचर को बालों में लगाने के लिए इसको शेक करिए, अच्छे से लगाने के पहले हिला लीजिए, हिलाने के बाद उसको जहाँ पे बाल आपके गिरे हुए हैं उसमें लगाइए। एक बार सुबह लगाइए और एक बार रात में सोने के पहले लगाइए। सोने के पहले बाल को अच्छे से क्लीन करिए, बेहतर होगा थोड़ा सा क्लीन धुल लें, या फिर नहीं धुल पा रहे हैं तो नमी से उसको पोंछ लें और उसके बाद उसमें लगाएं। साथ में एक चीज़ और करनी है, जो भी आप ऑयल लगाते हैं उसकी जगह पे उसे रिप्लेस करिए, उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल लगाइए। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की गोलियां डालिए, विटामिन ए की कैप्सूल, ई की कैप्सूल, विटामिन ई, EVION ईवीऑन नाम से मिलता है, हर एलोपैथी मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगा, ईवीऑन नाम का कैप्सूल आएगा। उसके 3-4 गोलियां जो है छोटी सी ले लीजिए, पैरासूट वाला जो आता है स्काई ब्लू, उसमें डाल लीजिए। डालने के लिए ये उसको प्रिक करेंगे और उसके बाद उसको स्क्वीज कर दीजिए, उसमें स्क्वीज कर दीजिए, लगाने के पहले उसे अच्छे से शेक कर लीजिए, शेक करके लगाया करिए। एक आपको और चीज़ करनी है, प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी होती है, मैं आपको इसमें केयर बता रहा हूँ बालों के केयर के लिए। इसमें आप सुबह नहाने के लिए शैम्पू लगाना बिल्कुल बंद कर दिए, शैम्पू लगाने से बालों को गिरने का रेट और देखा गया है, शैम्पू लगाना बंद करेंगे आप। शैम्पू की जगह चाहे आप डब साबुन लगाइए या बेबी जॉनसन साबुन लगाइए, सोप से बाल को धुलिए। और जब बाल धुलते हैं आप, बाल को धुलने के लिए बाल ये इस बात का ख्याल रहे कि प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए बाल धुलने के लिए। उसमें कोई ये नहीं हो साबुन का कुछ पार्ट पड़ा हुआ है या साबुन का कुछ अंश पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छूटा नहीं चाहिए, अच्छे से क्लीन होने चाहिए, रगड़ रगड़ के साफ़ होना चाहिए। और नहीं तो या फिर टैप वाटर के नीचे आप लगा दीजिए और अच्छे से धुल लीजिए इसके पल्प से।
और ये आप करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे कुछ दिन बाद। आप ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, ये मान के चलिए 5-6 महीने तो एटलीस्ट लगता ही है, लेकिन आपको रिजल्ट 2-3 मंथ्स में दिखने लगते हैं और डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपके लिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, कि आपकी बीमारियाँ दूर हों। मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपको आपके लिए इस तरह के वीडियो जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हों, जो आपके लिए फ्रूटफुल हों, जो आप घर में बैठ के भी देख सकते हैं और कोशिश और ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी बुराई नहीं है। और मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आप देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट।